সরকারি অনুমতি ছাড়াই গাছ কাটার অভিযোগ উঠল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল হীরাপুর থানার অন্তর্গত মহাত্মা গান্ধী হাই স্কুল আট নম্বর বস্তি এলাকায়। এই বিষয়টি স্কুলের অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকারা বিরোধিতা করেছেন। আসানসোল কর্পোরেশনে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে আসানসোল কর্পোরেশন থেকে আধিকারিকরা আসেন ঘটনাস্থলে সরেজমিনে তদন্ত করতে, যদিও বিষয়টি এখনো পুরসভার বিচারাধীনে আছে। संभव आके कार्य को बंद कराया, लेकिन तब तक हमारा पेड़ कट चुका था और दूसरा पेड़ कटने की तैयारी के कारण वो ये हमारे चलते एक पेड़ बच गया। बचा, मैं कह रहा हूँ बिना किसी रिजोल्यूशन का, बिना कोई बिल्डिंग प्लान का, यहाँ सरकार रोड भी बनाती है तो थोड़ा किरणा कर देती है। यहाँ पेड़, इतना बड़ा पेड़ जिसको हम लोग गोबर सार दे के बड़ा किए, काट दिया गया। कोई असुविधा नहीं कोना में, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, विदाउट एनी रेजुलेशन मैनेजमेंट कमेटी, अभी विदाउट। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ ओल्ड स्टॉक में रखा गया था कम से कम बहुत सारे पुरानी रद्दी कागजों को बिना किसी टीचर के संपर्क के इन्होंने अपने आप से गाड़ी ला के बुला के 20-22 हज़ार रुपया का कागज भेज दिया। अरे आप कम से कम शिक्षकों को तो कम से कम बोलिए, एक मैनेजिंग कमेटी में तो बोलिए। ऐसा क्या बदहाल कितना दिन तक होते रहेगा? हेडमास्टर साहब सर फोन नहीं उठा रहे हैं, उनका कहना है हेडमास्टर से इनके मुलाकात हुई, ये जानते हैं। हेडमास्टर को मैंने बोला कि आपने ये अन्याय काम हो रहा है, तब तक ये बड़ी वाली पेड़ कट चुकी थी। तब उनके परामर्श के द्वारा मैं उनको बारण किया कि सर बंद करवाइए पेड़ काटना, तो उन्होंने बंद करा, नहीं तो एक और कट जाता। वो चले गए, यहाँ वो छुट्टी में है कि कहाँ गए हमको पता नहीं, वो यहाँ से चले गए। আসানসোল থেকে সৌমিত্র গাঙ্গুলী, রিপোর্ট আনন্দবার্তা।